नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्टडी 10 टेक्नोलॉजी से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख करके जान ही गए होंगे आप कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीपीटी की। अगर आप एक टीचर हैं या अगर आप सेल्स मार्केटिंग या किसी भी फील्ड में हैं तो आपके लिए पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपना पीपीटी बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, वहां पे पॉइंट टू पॉइंट चीजें सिखाऊंगा। कैसे आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, कैसे आप फोटो ऐड करेंगे, कैसे आप गूगल की चीजों को ऐड करेंगे, कैसे आप अपना पीपीटी का डिजाइन चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो ये सारी चीजें मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ, तो वहां पर बताता हूँ, आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं पावर पॉइंट। अगर आपके पास पावर पॉइंट नहीं है तो आप पावर पॉइंट अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। अब हमारे पास में पावर पॉइंट 2019 का है। अब इस पे हमको नया प्रेजेंटेशन बनाना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन जब हमने सेलेक्ट किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने आ रहा है। एक है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प। अब इन सब चीजों के बारे में बारी बारी से समझते हैं। अब देखिए, जैसा कि ओपन किया आपने तो कुछ इस तरीके की चीजें आ रही है जिसपे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू एड टाइटल वगैरह वगैरह। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका लेआउट चेंज करना है तो आप अपने माउस का राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक लेआउट का ऑप्शन आएगा। आप उसमें जैसा लेआउट चाहते हैं, फोटो वाला, टाइटल वाला, ओनली टेक्स्ट वाला या ब्लैंक चाहते हैं, वो चीजें आप कर लेंगे। उसके बाद अब बातें आते हैं इस पे कि कुछ चीजें अगर इसमें डालनी है, यानी कि कुछ चीजें आपको इंसर्ट करनी है, तो आपको जो होम के बगल में जो है वो इंसर्ट, उसको आप क्लिक कर लीजिए। इस यहाँ से आप पिक्चर, स्क्रीनशॉट, फोटो, कुछ भी चीजें ले सकते हैं। न्यू स्लाइड में हमको जिस तरीके की स्लाइड चाहिए, ब्लैंक अगर चाहिए तो हमने ब्लैंक ले लिया। अगर हमको इसको नहीं लिखने वाला चाहिए था तो चलिए लेआउट में गए और इसको चेंज करके हमने यहाँ पे टाइटल स्लाइड कर लिया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं। हेलो, आप अपने मन से कुछ भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से स्लाइड आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब बात करते हैं पिक्चर स्लाइड का। तो चलिए हम आते हैं, एक नया स्लाइड ऐड करते हैं। ऐड स्लाइड करके एक नया स्लाइड हमको पिक्चर वाला चाहिए, तो चलिए हम ब्लैंक ऐड करते हैं। ब्लैंक ऐड करने के बाद में हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में पिक्चर में जाएंगे और जो भी हमारा इस सिस्टम पे पिक्चर होगा, जो भी अगर हम पिक्चर लेना चाहते हैं वो पिक्चर हम यहाँ से उठा सकते हैं। अब सपोज कीजिए हम पिक्चर में जाते हैं, चलिए घर का एक फोटो उठा लेते हैं, हमने यहाँ पे उठा लिया, सॉरी ये स्कूल का फोटो है। अब इसको हम अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब देखिए, अब मान लिया हम डिजाइन में जाते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड हमको डिजाइन करना है, तो डिजाइन के जो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उस तरीके से ये बैकग्राउंड होते चला जाएगा। आपको जो सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर लिया, आपको जो सूट लगता है आप उस तरीके का डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजिशन में होता क्या है कि जब जैसे आपका दो स्लाइड है, आप किस तरीके का ट्रांजिशन चाहते हैं, जैसे पुश ट्रांजिशन आपने कर लिया तो इस तरीके से होगा, अगर आप वाइप ट्रांजिशन कर लिया तो आपका इस तरीके से होगा। अब ये ट्रांजिशन है, ये तब काम आता है जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं। एनिमेशन में देख लीजिए क्या क्या है। एनिमेशन में है कि फ्लाई एनिमेशन है, अगर आप इसको फ्लाई करेंगे तो जो भी आपका प्रेजेंटेशन है वो फ्लाई करके आएगा। फोल्ड करेंगे तो आपका, बहुत सारे चीजें हैं, जैसे आप सेव करेंगे, स्प्लिट करेंगे, जिस तरीके की भी आपको डिजाइनिंग चाहिए होगा आप एनिमेशन से ले सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो में बहुत सारी चीजें जो सेटिंग वगैरह करने की, इसकी उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं मॉनिटरिंग करना, सेटअप करना, यहां तक हमने देख लिया कि टर्न एनिमेशन कैसे करना है। मैंने आपको यहाँ पे यह बताया था कि कैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं वो सारी चीजों को। यहाँ पे हमने बताया कैसे आप पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए अब हम लोगों को ये चीजों को सेव करना है। ये फाइल में गए, फाइल में जाकर के हम सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जहां भी हम सेव करना चाहते हैं, अब हाँ ध्यान रहे, अगर आप इसका प्रेजेंटेशन का कोई भी फॉर्मेट सेव कर सकते हैं, इतने सारे फॉर्मेट है, किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप पावर पॉइंट में सेव करते हैं चीजों को तो जब भी कभी आएंगे वापस, ये एडिटेबल चीजें होती हैं, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने पावर पॉइंट कर लिया यहाँ पे सेव और यहाँ पे कर लिया हमने चेक करके सेव कर लिया। अब ये क्या है कि हमारा पावर पॉइंट बन करके रेडी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पावर पॉइंट बनाना है और बहुत ही आसान तरीका है, आप एक बार ट्राई कीजिए। पावर पॉइंट का कोई भी वर्जन हो, बहुत इजी टू यूज वर्जन है। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था वो सारी चीजें बता दी और बहुत ही शॉर्ट में बताया हूँ, मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो एक दो बार देखिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। और हाँ,
जो भी लोग अगर चाहते हैं कि मैं उनको गाइड करूं या मैं उनको हेल्प करूं उन चीज़ों में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, पर्सनल नंबर है, तो आप एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। मैं आपको जितना हो सके उतना हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फोग्राफिक्स के इंपॉर्टेंस का, क्या इंपॉर्टेंट होता है इन्फोग्राफिक्स का, इसके बाद के वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ऐसे अब इसके बाद में जैसे ये सीरीज खत्म होगा, मैं इसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वो हेल्प करेंगी ऑनलाइन ग्रो करने में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।